पटना के खगौल थाना क्षेत्र स्थित लेखा नगर में एक महिला निशा कुमारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ससुराल वालों ने बताया कि निशा ने आत्महत्या की है। वह निशा के मायके वाले दहेज के चलते हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। निशा के भाई ने बताया कि वर्ष 2016 में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पता चला कि ये फोन के द्वारा सूचना मिला था कि जो है हमारी बहन का जो है डेथ हो गया है, पंखे से लटक के मिली है, लेकिन पंखे से लटकी नहीं, उसको जान से मार दिया गया है और उसके बाद उसको जो है लटकाया गया है। और जब वहाँ पर पहुँचे तो वो बेड के ऊपर पड़ी हुई थी। पति परिजन वहीं पे थे, किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जरा सा भी कि कहीं कोई शिकन हो उनके चेहरे पे। इसके बाद वहाँ से पुलिस आई, पुलिस को खबर हुआ, पुलिस का सूचना भी हम ही लोगों ने दिया जो हमारे जाने करीब आधे घंटे के बाद पहुँची थी पुलिस वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने अपने कार्रवाई किया, जो भी करना था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहाँ भी उनकी तरफ से कोई नहीं आया था। क्या लगता है इसमें? ये बहुत पहले से, जब से शादी हुआ तब से उसको दहेज के लिए प्रताड़ना तो दे ही रहे थे, उसको तंग कर रहे थे। इस बीच में वो दो साल जो है मायके में भी आके रही थी, फिर जनवरी में करीब जो है 15 जनवरी के आसपास उसके घर वाले आए, ससुराल वाले समझा के जो है हाथ पैर जोड़ के लेके गए उसको। इस बीच में फ़ोन से बात होता था उससे, तो तब भी बोलती थी कि तंग तो करते हैं अभी भी मेरे को, लेकिन इस हद तक मतलब जो करेंगे सब किसी का अंदाज़ा नहीं था। कब किए थे इनकी शादी, कब हुआ थी? ये 29 जनवरी 2016 को शादी हुआ है इनकी, हुआ था। दहेज में 15 लाख रुपये भी दिया गया था इनको, इसके अलावा जेवरात जो है उपहार सब। क्या करते हैं उनके पति? उनके पति अभी पहले शायद है कि कोई एनजीओ में काम करते थे, अभी का मुझे नहीं पता कि शायद कुछ काम भी करते हैं या नहीं करते हैं।